आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 8 फरवरी की शुभदान की। परमात्मा के सामने हाजिर होना या उनके साथ कनेक्ट होने के लिए कौन सी ऐसी क्वालिटी या शक्ति चाहिए जिसके द्वारा हम उनको फेस कर पाए और साथ ही साथ वो हमसे जुड़ना चाहें। तो परमात्मा अपने ही शब्दों में हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस को, तुम्हारी चेतना को मैं ऊपर लेके आता हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम मुझसे जुड़ो कैसे। तो आज परमात्मा कहते हैं कि प्योरिटी की पर्सनालिटी, एक इंसान की पर्सनालिटी होती है, इसको हम कहते हैं फिजिकल पर्सनालिटी, दिखता कैसे है, बाल कैसे, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, रंग रूप कैसा हुआ है, मेकअप कैसे किया है, वो भी फिजिकल पर्सनालिटी। लेकिन परमात्मा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी, रॉयल्टी वो ताज लगा करके, महंगे जूते, महंगे कपड़े पहन करके महल में रहने वाले नहीं, रॉयल्टी होती है प्योरिटी की। रॉयल्टी द्वारा बाप, बाप होके परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, जिहोवा कहें, क्रिएटर के समीप आने वाले देही अभिमानी भव, देही अभिमानी, देह अभिमान हो गया शरीर, देही मतलब देह से अलग वाला अभिमान। देह का अभिमान तो आज इंसान को है, रंग रूप का अभिमान है, धन दौलत का अभिमान है, पोस्ट पोजिशन का अभिमान है, लेकिन उससे परे अभिमान होता है पवित्र अभिमान, उसको कहते हैं आत्मा अभिमान, कि मैं हूं कौन, आत्मा, और मैं हूं किसका, परमात्मा का। तो मैं अगर मिनिस्टर का बच्चा हूं, चेयरमैन का बच्चा हूं, मैं फलाने ऑफिसर का बच्चा हूं, मैं धनवान का बच्चा हूं, बिजनेसमैन का बच्चा हूं, ये हो गया देह का अहंकार अभिमान, अशुद्ध, जिसे हम औरों को नीचे दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो किसी को आपसे जेलसी नहीं होने वाली, किसी को आपसे किसी प्रकार से भी घृणा नहीं होने वाली, तो इसको कहते हैं शुद्ध अभिमान, प्योर रॉयल्टी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, आप किसी एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, उनके लुक्स को देखते हैं, तो आपको क्या होता है, अपना फिजिकल कॉन्शियसनेस याद आता है। ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। हमारे अगर प्योरिटी की पर्सनालिटी तो लोग हमसे मिलकर के उनको परमात्मा पिता की पर्सनालिटी क्वालिटीज याद आएंगी। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्मा को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की रॉयल्टी कि आपने इस धरती पर शरीर के द्वारा, इन 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा आपने कितने प्योर कर्म किए, प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी, धर्म और राज, मैं आत्मा अपने इन आंख, कान, नाक, मुख और हाथ पैर पर कितना राज्य करके, वो भी धर्म के द्वारा राज्य किया। धर्म मतलब मैंने पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी को इन कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करके बांटा, कि मैंने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, इन सब चीजों को इस्तेमाल किया और इन शरीर के द्वारा उनको बांटा। तो उससे हमें धर्मराजपुरी, धर्मराजपुरी मतलब ऊपर, जिसको कहते कई लोग कयामत के समय पर अल्लाह सामने खड़े होंगे और भगवान सामने खड़े होंगे और हमसे हिसाब लेंगे कि तुमने इन 5 कर्मेंद्रियों से तुम आत्माओं ने करा किया। तो प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। रॉयल्टी मतलब कि किश्त में, कि हां जी प्रभु, हां जी भगवान, हां जी अल्लाह, मेरे से ये गलतियां हुई थी, मैं स्वर्ग में जाने के लायक हूं या नहीं हूं। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जितनी रॉयल्टी होगी प्योरिटी की पर्सनालिटी में रॉयल्टी होगी, उतनी ही हमें क्या होगा, हम स्वर्ग में या सतयुग में, गोल्डन एज में, भारत के स्वर्णिम युग में फिर से जो आने वाला है उसमें हम रॉयल फैमिलीज में जा सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा, जिनके अंदर शरीर और शरीर की पोस्ट पोजिशन, धन दौलत रंग रूप का या जान पहचान है मेरी इनसे, उनका अभिमान नहीं होता है। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। एक हो गया शारीरिक दर्पण, आपने आईने में अपने शरीर देखा और आपने अपने मन के ही दर्पण में अपने आप को झलका कि मेरे अंदर कितनी प्योरिटी और मेरे अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी है या मेरे अंदर कितनी फिजिकैलिटी है। तो उस अनुसार हम अपने रूहानी दर्पण में हम क्या होते हैं, परमात्मा की पर्सनैलिटी को हम दिखा सकते हैं और को। आज दुनिया कौन सी पर्सनालिटी दिखाती है, शरीर की पर्सनालिटी, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि अब हम अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाए, आत्माभिमानी, और हम अपने अंदर जो गॉडली क्वालिटीज हैं उसको हम अपने कर्मों के द्वारा, इनके द्वारा हम औरों को दर्शाए। तो ये है सारी प्रैक्टिस जो हम ब्रह्म कुमारी परमात्मा की ही ज्ञान के द्वारा, उनकी गाइडेंस के द्वारा डायरेक्टली कर रहे हैं।
आप भी आकर के सीख सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।